गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास इकोटेक कंपनी के बारे में। विकास इकोटेक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट अच्छे भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके शेयर प्राइस में कुछ खास तेज़ी देखने को बन रही है नहीं। तो सवाल ये है कि इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी भी कि नहीं, या ऐसे ही सिर्फ इसका शेयर प्राइस सुस्त पड़ा रहेगा और डाउन जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। इस वीडियो में इस मुद्दे पर एकदम तफसील से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। हम जानते हैं कि विकास इकोटेक एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, लेकिन यह केमिकल के अलावा इको फ्रेंडली रबर प्लास्टिक कंपाउंड बनाने का भी बिजनेस करती है। वैसे तो एक पेनी स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 450 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका काम काफ़ी शानदार है। हालांकि कल जब बाजार बंद हुआ तब इसका शेयर प्राइस लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ, और इसका कल जब बाजार बंद हुआ तब इसका शेयर प्राइस था 3.80 रुपये, और आप कई दिनों से देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस 4.50 रुपये से लेकर 3.50 रुपये इसी के बीच में रह रहा है, क्योंकि अभी यह स्टॉक जो है कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। कंसोलिडेशन रेंज क्या होता है? जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी दो प्राइस के बीच में फिक्स हो जाए, कई दिनों से उसी के रेंज में ट्रेड कर रहा हो, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन रेंज। अब देखिए, होता यह है कि जब भी कोई स्टॉक इस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़कर बाहर निकलता है तो सामान्यतः ऊपर जाता है। लेकिन जब आप विकास इकोटेक के केस में देखेंगे तो जहां से इसने हाई बनाया था जनवरी में 6.90 रुपये का, उसके बाद से इसका प्राइस लगातार डाउन जा रहा है। इसलिए इसमें यह पॉसिबिलिटी बनती है कि जब यह कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो इसका प्राइस भी नीचे जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, शेयर बाजार में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आप थोड़ा इसमें समय दीजिए, देखिए होता क्या है। बात करें क्वार्टर फोर के रिजल्ट का, तो देखिए क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आया था। क्वार्टर फोर के रिजल्ट में इसका जो रेवेन्यू है 75 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि काफ़ी शानदार है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाया, प्रॉफिट नहीं बढ़ाया। जी, ऐसा संभव है कि रेवेन्यू बढ़े और प्रॉफिट ना बढ़े। अगर आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है। एक दिन आपकी दुकान में खूब सारा सामान बिका, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ उस पर, और दूसरे दिन आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका जो दुकान का सामान है बहुत कम बिका, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसा ही इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उसके बिजनेस में भी होता है। हालांकि यहां सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाया, प्रॉफिट नहीं बढ़ाया, तो इसलिए इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नहीं बढ़ाया, अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट हुआ है। अर्निंग पर शेयर इसका 0.04 से कम होकर 0.01 रह गया, और प्रॉफिट बता दूँ, प्रॉफिट देखिए इसका 3.44 करोड़ था पिछले क्वार्टर में यानी कि Q3 में, वह Q4 में कम होकर 1.23 करोड़ का रह गया। प्रॉफिट में भारी गिरावट हुआ है। अब देखिए ओवरऑल अगर इसका फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है यह। इसका अगर कर्जे की बात करें इस कंपनी के ऊपर, तो देखिए पिछले क्वार्टर में इसके ऊपर कर्जा था 151 करोड़ रुपये का, जो अभी क्वार्टर फोर में कम होकर रह गया सिर्फ 91 करोड़ रुपये का, यानी कि कंपनी का जो कर्जा है वह क्वार्टर टू क्वार्टर कम होते हुए दिख रहा है। और खुशी की बात यह भी है कि इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में इसका जो रिजर्व 101 करोड़ का था, जो क्वार्टर फोर में बढ़कर हो गया 134 करोड़ रुपये का। तो भले ही प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इधर जो चीज़ें ऊपर नीचे होना चाहिए वो हो रही हैं, फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। और इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी है, FII वालों की हिस्सेदारी भी है, पब्लिक इससे भी हिस्सेदारी है। और आपको पता है कि भारत में केमिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर, सबका भविष्य अभी शुरू होने वाला है, हो रहा है, आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आप विकास इकोटेक में यानी कि केमिकल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपने कोई गलती नहीं की है। हाँ, बस आपको समय देना होगा, थोड़ा समय दीजिए, कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ यह अपडेट, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल है, कोई शंका है, डाउट है, तो कमेंट में पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर अगर आप बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।